प्रेम से बोलिए शिष्य आनंदमयी मात की। मां उपदेश दे रही हैं, मैं अर्थात आत्मस्वरूप आत्मा, यह जो सब मैं हो रहा, यह असली शुद्ध मैं को प्रकट करने के लिए, यह जो पूजा की जाती है आवरण हटाने के लिए। तत् तो स्वयं प्रकाश है ही, नित्य ही प्राप्त है, परंतु तुम लोगों को अनुभव कहाँ होता है, प्रश्न आते रहते हैं। साधन भजन से तत् के ऊपर जो अज्ञान का पर्दा पड़ा है वह हट जाता है। पर्दा हटाने के लिए ही समस्त साधनों का प्रयोजन है। किसी साधक ने कृपा के विषय में प्रश्न किया है और मां उसका उत्तर देते हुए कह रही हैं, एक होती है अहेतु की कृपा। अहेतु की कृपा माने जो बिना हेतु के हो, उनकी ओर से, उनकी करुणा से जो हो, और एक है करो और पाओ। अहेतु की कृपा हर क्षण हो रहा, सब समय वर्षण हो रहा। प्रश्न, मां अंतर गुरु का जागरण षटचक्र वेद के पहले होता है या बाद में? मां, अंतर गुरु जागरण से षटचक्र वेद होता है और षटचक्र वेद होने से अंतर गुरु जागरण होता है। जैसे तुम जब जागते हैं तब निद्रा त्याग और जागरण एक साथ होता है, उसी प्रकार षटचक्र वेधन और जागरण एक साथ होता है। प्रश्नकर्ता, मां अंतर गुरु का जागरण कैसे होता है? मां, गुरु आदेश पालन, गुरु जो लाइन दिया उस लाइन पर चलने से जागरण होता है। गुरु जो मंत्र दिया, मंत्र माने जो त्राण करे, उसका जप ध्यान करने से रास्ता खुलता है। गुरु जैसा बीज बोते हैं वैसा ही वृक्ष फल फूल होता है। प्रश्नकर्ता, मां, भक्त और योगी को साधना के अंत में एक ही स्थिति प्राप्त होती है या अलग अलग? मां, स्वरूप प्रकाश होने से पहले अलग अलग रहता है, स्वरूप प्रकाश होने पर दोनों एक ही स्थिति के भीतर चला जाता है। अंत में भेद कहां? भगवान में भेद नहीं है, भेद अभेद के अतीत जो हैं वे ही तो मिलते हैं ना। मां पुनः उपदेश दे रही हैं, आत्मदान, गुरु शिष्य को अपने आप को दे देते हैं। जैसे वृक्ष छाया देते हैं फल देते हैं, उसी प्रकार गुरु शिष्य को छाया माने आश्रय देते हैं और फल देते हैं माने अपने आप को दे देते हैं। मंत्र ही कुंजी है ताला खोलने की। मंत्र के जप ध्यान से चित्त शुद्ध होता है। मंत्र द्वारा ताला खोल सकने पर भीतर बाहर जाना आना हो सकता है, तब पता लगता है भीतर बाहर सब एक है। एकम माने क्या? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक आत्मा अद्वैत। जैसा रामायण में लिखा है सब राम ही राम है, और जैसा कहते हैं यत्र यत्र नेत्र परे तत्र तत्र श्री कृष्ण स्वरे। गुरु मंत्र का जप और गुरु आदेश उपदेश का पालन, इससे ताला खुल जाता है। नाम माने क्या? नाम माने ना आमी, अर्थात मैं नहीं हूं, तुम ही हो एकमात्र। जीव माने बंधन, जगत माने गति। नाना संस्कार लेकर जीव आ रहा, एक जगह इकट्ठा हो रहा संस्कार धोने के लिए। राग द्वेष का त्याग किए बिना त्राण नहीं है, सबके रूप में भगवान को ही देखना चाहिए। कोई निंदा करे तो समझो वह हमारा मैल धो रहा। सृष्टि सब भगवान का है, वही सब कर रहा है, करने के रूप में वही है। एक को देखना ही होगा, अन्य कोई रास्ता नहीं है। जो सच्चे दिल से भगवान के रास्ते पर चल रहा उसे एक देखना ही पड़ेगा। राग द्वेष निंदा स्तुति पर ध्यान ही नहीं, बस भगवान के भजन में तल्लीन। संसार में सच्चा कहाँ मिलेगा? कहाँ जाओगे? जहां जाओगे वहीं मन तो साथ रहेगा ना, इसलिए जहां हो वहीं अपना काम करना होगा।
सब सहन करो, सहन सहन सहन। प्रश्न करता, मां भगवत दर्शन कैसे हो? मां, बाबा यह शरीर तो शास्त्र से बाहर नहीं जाता, यह जो नमस्कार करते हैं नमो नमः, नमः अर्थात मैं नहीं हूं, प्रणाम माने परमात्मा ही है, मैं नहीं हूं। भगवान आत्मस्वरूप नित्य प्रकाशित, पर्दा पड़ा है, पर्दा हटाने के लिए ही सत्संग साधन भजन। अज्ञान का पर्दा है, पर्दा हट जाने पर जो रह जाता है वही प्रणाम। सच्चा प्रणाम यदि हो जाए तो एक ही रह जाता है, एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति, फिर भेद नहीं रहता। पर्दा, पर्दा हटाने वाला, हटने वाला, पर्दा हटाकर शेष रह जाने वाला, जो कहो सब वही 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 एकमात्र। एक भगवान ही सब हैं, जो भी देख रहा सुन रहा भगवान ही हैं सब, सब तुमी तुमी तुमी, तुम ही हो एकमात्र। सब भगवान हैं, सब रूप भगवान के रूप हैं, सब नाम भगवान के नाम हैं, तुम किसी भी नाम से उन्हें पुकारो वे अवश्य सुनते हैं और आते हैं, जिस रूप में तुम चाहो उसी रूप में दर्शन देते हैं। एक बात याद रखियो, जब भगवान प्रतिकूल रूप में आए तो कहियो हे भगवान तुम ही इस रूप में आ रहा, तुम अपना यह रूप हटाने की कृपा करो, अपना शांतिमय स्वरूप का दर्शन कराने की कृपा करो, तुम्हारा यह रूप हमको सहन नहीं होता, अपने मंगलमय आनंदमय स्वरूप को प्रकट करो। मानुष जीवन बड़ा दुर्लभ है, बहुत भाग्य से मिलता है, उनका अहेतु की कृपा से यह मनुष्य का शरीर मिला है, इसको पाकर जो उनको पाने की चेष्टा नहीं करता वह आत्मघाती है। उनको पाना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, वे तो सदा ही हृदय में रहते हैं, अज्ञान का आवरण रहा है, इसी से उनका दर्शन नहीं होता है। अज्ञान का पर्दा हट जाए तो उनका प्रकाश हो जाता है, इस पर्दे को हटाने के लिए ही पूजा पाठ जप तप ध्यान ये सब साधन हैं। अज्ञान का पर्दा जब तक है तभी तक दुख अशांति शोक मोह और भय है, यह पर्दा हट जाने पर फिर एकमात्र वे रह जाते हैं, वे जो तुम्हारे ही हैं, तुम जानते नहीं पहचानते नहीं पर वे तो जानते हैं, सदा ही तुम्हें पुकारते हैं आओ आओ, वे तुम्हारे अत्यंत निज हैं, तुम्हारी आत्मा है। अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए नित्य सुबह शाम उनसे प्रार्थना करना, हे भगवान मैं तुम्हारी शरण में हूं, अज्ञान का पर्दा हटाओ, अपना प्रकाश करने की कृपा करो। प्रेम से बोलिए श्री श्री आनंदमयी मात की।